हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 9 फोर क्लास 10th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 18 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो असेसमेंट वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम डिस्कस करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब लेंचो ने मनी को काउंट किया तो उसने कैसा फील किया। ऑप्शन ए ग्रेटफुल, ऑप्शन बी जॉयफुल, ऑप्शन सी एंग्री एंड ऑप्शन डी है रिलीव्ड। तो जो लेंचो है, जब उसको पैसे मिले और उसने पैसों को जो है काउंट किया तो वो एंग्री हुआ। क्या हुआ? एंग्री। एंग्री क्यों हुआ वो? क्योंकि उसको लगा कि जो पैसे हैं बाकी के, वो पैसे जो है किसने ले लिए, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं उन्होंने उन पैसों को ले लिया, इसलिए वो बहुत एंग्री फील कर रहा था। सेकेंड है, वाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट। डस्ट ऑफ स्नो जो है वो जो आपकी पॉम है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। ऑप्शन ए हीलिंग पावर ऑफ नेचर, ऑप्शन बी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, ऑप्शन सी है कूल वेदर एंड ऑप्शन डी है स्टॉर्म। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, हीलिंग पावर ऑफ नेचर को शो करता है डस्ट ऑफ स्नो। थर्ड क्वेश्चन, द पॉम फायर एंड आइस इज अ डैश पुट अक्रॉस बाय द पोएट। तो जो पॉम है आपकी फायर एंड आइस, उसमें जो पोएट है वो एक तरह से किस तरह का मैसेज यहाँ पर दे रहा है। इट्स अ पावरफुल वार्निंग। ऑप्शन ए क्या है? पावरफुल वार्निंग है। बी हार्ट फेल्ट अपोलॉजी है, सी अर्नेस्ट अपील है एंड डी है वेंजफुल थ्रेट है। तो ये इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पावरफुल वार्निंग। सो इस पॉम के थ्रू जो पॉइंट हैं वो एक वार्निंग दे रहे हैं कि जो वर्ल्ड है वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो हेट और जो डिज़ायर है उसके कारण हो जाएगा। सो इट्स अ पावरफुल वार्निंग। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट रियलाइजेशंस डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम। ठीक है, ऑप्शन ए है इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन, ऑप्शन बी ही वॉज बॉर्न फ्री, ऑप्शन सी फ्रीडम वॉज मेंट फॉर किड्स एंड ऑप्शन डी है ही हैड नो रियलाइजेशंस। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है, इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपको दिया गया है, व्हाई डिड हरी सिंह हेजिटेट टू रॉब अनिल। जो हरी सिंह था वो अनिल को जो है रॉब करने में हेजिटेट, उसको एक तरह से लूटने में हेजिटेट कर रहा था, क्यों? ऑप्शन ए इट वाज डिफ़िकल्ट टू बेट्रे अनिल ट्रस्ट, बी अनिल वाज कनिंग, सी अनिल डिड नॉट ट्रस्ट हिम एंड डी है अनिल हैड गिवन हिम द की ऑफ द रूम। ठीक है, तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा ए, कि अनिल का जो ट्रस्ट था, जो फेथ था हरी सिंह के ऊपर, उसको तोड़ना उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। ठीक है, तो ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स है, वेंडा ऑलवेज सेट ऑन द सेम सीट इन रूम नंबर 13 एवरी डे बिकॉज। वेंडा हर दिन जो है रूम नंबर 13 में जो सेम एक ही सीट पर वो बैठती थी, क्यों? ऑप्शन ए हर फिट वर केक्ड विद मड, उसके पैर जो हैं वो कीचड़ में सने हुए होते थे, एंड बी शी वॉज रफ एंड नॉइजी। ठीक है, सी है शी वॉज नॉटी, शरारती थी, एंड डी शी ऑलवेज कम लेट, वो जो है डेली लेट आती थी। इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा ए, हर फिट वर केक्ड विद मड, उसके पैर जो है वो बॉय साइड से आती थी, वहाँ पर कीचड़ होता था जिसके कारण उसके पैर जो है वो कीचड़ में सने हुए होते थे। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन आपको दिया गया है, व्हाट थॉट अबाउट द लॉस डज द पॉम द बाल पॉम इवोक इन द रीडर। कि जो आपकी पॉम है द बाल पॉम, उसमें जो है आपको एक तरह से क्या थॉट उसके अंदर है। ठीक, ऑप्शन ए वर्ल्ड इज़ नॉट फुल ऑफ पोजिशन, ऑप्शन बी
पीपल आर नॉट एबल टू बी लॉस, जो जो है लोग हैं वो उनके अंदर लॉस को टॉलरेट करने की एबिलिटी नहीं है। ए में है वर्ल्ड इज़ नॉट फुल ऑफ पोजेशन, वर्ल्ड जो है वो एक अधिकार जो है चीज़ों से, केवल सारी चीज़ें हमारी हैं इस अधिकार से वर्ल्ड जो है नहीं है। सी लॉस इज़ एन इनवाइटेबल ह्यूमन एक्सपीरियंस, एंड डी वन शुड नेवर फॉरगेट अबाउट पर्सनल लॉस, हमें अपने पर्सनल लॉस को नहीं भूलना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर आपका रहेगा वो रहेगा बी, पीपल आर नॉट एबल टू बियर लॉस। तो इससे हमें क्या एक तरह से इवोक होता है रीडर के अंदर कि लोग जो हैं वो लॉस को उनके अंदर एबिलिटी नहीं है, और रीडर यहाँ इस पोम के थ्रू यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो लाइफ है वो प्रैक्टिकल लाइफ है, उसमें लॉस एंड गेन चलता है। तो हमें हमारे सामने जो डिफ़िकल्टीज आती हैं, जो लॉस होता है उसको हमारे अंदर, हमें उसको एक तरह से आप कह सकते हो करेज के साथ उसको फेस करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डिड द नरेटर मीन बाय सेइंग दैट ट्रिकी हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन लाइफ। नरेटर जो है वो क्यों कहते हैं, उसका मतलब क्या है इस बात से कि ट्रिकी ने ऐसा समय जो है अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, ऐसा समय उसकी लाइफ में कभी नहीं आया। ऑप्शन ए ही हैड बिकम फैट, वो बहुत मोटा हो गया था। ऑप्शन बी ही हैड बिकम लिस्टलेस, वो जो है बहुत ही ज़्यादा लिस्टलेस हो गया था, सुस्त हो गया था, ठीक है। ऑप्शन सी है ही हैड द बेस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ, ये उसकी लाइफ का बेस्ट टाइम था। एंड ऑप्शन डी मिसेस पैम्फ्री लव्ड हिम वेरी मच, मिसेस पैम्फ्री उसको बहुत प्यार करती थी। तो नरेटर ने किस कंडीशन की वजह से कहा था, बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट ही हैड बिकम लिस्टलेस, वो कैसा हो गया था, वो लिस्टलेस हो गया था। अब एक बार फिर से हम इसके केवल आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका था इसमें सी एंग्री, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपका रहेगा ए, थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका ए रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी आपका ए रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5th जो आपको दिया गया है इसका आंसर आपका ए रहेगा, एंड 6th क्वेश्चन का आंसर आपका जो है यहाँ पर ए रहेगा, 7th क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपका बी रहेगा, पीपल आर नॉट एबल टू बी अ लॉस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर आपका बी रहेगा। तो ये थी आपकी आज की इंग्लिश की असेसमेंट वर्कशीट, आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।